आज इंसान दिन के दिन एक कदम स्पेस के लिए बढ़ा रहा है। तो इसी बीच नासा ने एक कदम बढ़ाते हुए नासा अब बना रहा है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली रॉकेट। जी हाँ दोस्तों, और इसके साथ क्या रिश्ता है नासा का आर्टेमिस मिशन का, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ, स्वागत है आप सभी का दे घुमा के चैनल पे। तो चलिए दोस्तों बात को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, नासा चांद पे 50 साल बाद फिर से जाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है, और इसीलिए नासा जो रॉकेट बनाने जा रहा है वो सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली रॉकेट होगा, जिसका नाम है SLS स्पेस लॉन्च सिस्टम। और इसे नासा अपने नेक्स्ट ह्यूमन मिशन जो कि चांद पे जाने वाला है आर्टिमिस मिशन, उसके लिए ये तैयार कर रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि नासा इससे पहले जितने भी इंसानी मिशन चंद्रमा पे भेजे थे उस सभी का नाम अपोलो था, पर 50 साल बाद अब जो ये मिशन होगा उसका नाम होगा आर्टिमिस। यूनान के पौराणिक कथाओं के अनुसार आर्टिमिस अपोलो की बहन थी, और उन्हीं के नाम के मुताबिक ये मिशन का नाम रखा गया है। 2024 साल के अंदर नासा इंसान को चंद्रमा पर भेजेगा, और इस मिशन में करीब 30 अरब डॉलर का खर्च भी आएगा। सबसे खास बात यह है कि इस मिशन में पहली बार एक महिला भी जाएंगी। इससे पहले जितना भी मिशन था उससे ये करीब अलग ही प्रक्रिया से इसको भेजा जाएगा। नासा इस मिशन में सबसे पहले एक चांद की सबसे नज़दीकी कक्षा में ISS की तरह ही एक स्पेस स्टेशन को बनाएगा, जिसको नासा 2022 से 2024 तक तैयार करेगा, और इसके बाद नासा की टीम मेंबर्स को SLS रॉकेट के जरिए पृथ्वी के बाहर भेजेगा। इसमें सिर्फ कैप्सूल ही रहेगा, कोई लैंडर नहीं रहेगा जिसमें ये एस्ट्रोनॉट जाएंगे। इसके बाद करीब 3 से 4 दिन का सफ़र करने के बाद चांद की कक्षा में घूमने वाला जो स्पेस स्टेशन रहेगा उसमें जाके ये कनेक्ट होगा। इस स्पेस स्टेशन में नासा पहले से ही एक अलग से लैंडर रखेगा, जिसमें ये बैठ के एस्ट्रोनॉट चंद्रमा की धरती पे उतरेंगे। इसके बाद एस्ट्रोनॉट्स चांद की धरती पे अपना जो काम है वो करेंगे, और इसके बाद वो फिर से लैंडर में बैठ के वापस चंद्रमा के कक्षा में उपस्थित स्पेस स्टेशन को जाके कनेक्ट करेगा, और एस्ट्रोनॉट्स स्पेस स्टेशन के जरिए फिर से अपने कैप्सूल में जाके बैठेंगे, और इसके बाद कैप्सूल को अनडॉक किया जाएगा, और ये फिर से वापस पृथ्वी पर लौट के आएंगे और समुंदर में उतरेंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि नासा सबसे पहले आर्टिमिस 1 चंद्रमा के लिए भेजेगा, पर इसमें कोई इंसान नहीं होगा। इसके बाद नासा आर्टिमिस 2 मिशन भेजेगा, इसमें क्रू के साथ चंद्रमा को परिक्रमण करेगा। इसके बाद आर्टिमिस 3 जो कि मूल मिशन है इसको भेजा जाएगा। इस मिशन के द्वारा 2024 में अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजा जाएगा, इसमें महिला अंतरिक्ष यात्री भी होंगी। ये तीनों मिशन सबसे बड़े रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दूँ, चांद पे जो स्पेस स्टेशन बनाया जाएगा वो गेटवे मिशन के तहत बनाया जाएगा। ये स्पेस स्टेशन भविष्य में भी काम करेगा। चांद पे उतरने के बाद नासा यहाँ पे रुकने वाला नहीं है, इसके बाद नासा जल्द ही मंगल पे इंसान को भेजेगा। तो दोस्तों इस मिशन में अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, नासा के साइंटिस्ट इसके लिए मेहनत कर रहे हैं जो कि जल्द ही रंग लाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और फिर से मिलूँगा मैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।